नमस्कार, आज मैं आप लोगों को आपके ऊपर जितने भी ऋण हैं वो उतारने का एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त उपाय बताने वाली हूँ। और इस उपाय से लगातार अगर इसे आप तो आप देखेंगे कि अचानक से कुछ ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जिसके माध्यम से आपका जो भी ऋण है वो उतरना शुरू हो जाता है, यानी कि डेब्ट फ्री होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये उपाय बहुत ज़बरदस्त है, इसे करके देखिएगा और इसका रिजल्ट जो है ये ट्रिमेंडस है। तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हमारे ऊपर कर्ज चढ़ता है ना तो हमें बड़ी चिंता हो जाती है कि ये कर्ज उतरेगा कैसे। जब हम कर्ज लेते हैं तो बहुत ज़रूरत पड़ती है तभी लेते हैं और तब अच्छा भी लगता है क्योंकि पैसे आते हैं, लेकिन जैसे ही हम कर्ज चुकाने जाते हैं तो हमारी हालत खराब होने लगती है या फिर ये एक बर्डन, एक टेंशन बनी जाती है, राइट? तो चलिए, मेरे पास कुछ ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को करके आप अपने कर्ज को बहुत जल्द उतार सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, एक पिक्चर दिखा रही हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण के हैं जिसमें गौ माता उनके चरण को चाट रही है। ठीक है, यानी कि उनके जीभ जो है उनके चरणों में है। आप देखिए, इस पिक्चर को आप फ्रेम करवाइए या फिर ऑनलाइन मंगवा लीजिए और इसे सिर्फ और सिर्फ अपने मेन एंट्रेंस डोर पर लगा दीजिए, यानी अंदर की तरफ। आप जब भी बाहर निकले आपको उनके दर्शन हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पिक्चर को आप एक फ्रेम करें और अपने मेन एंट्रेंस डोर के ऊपर लगा दें। अब आपको मंत्र कौन सा कहना है? क्लीम मंत्र आपको 108 बार चांटिंग एवरीडे करना है और इस पिक्चर को देखते हुए आपको भगवान श्री कृष्ण से कहना है कि ये आपकी जो भी डेब्ट्स है या फिर जो भी आपके कर्ज है ये आपकी कृपा से उतर जाएंगे, इतना मुझे यकीन है। हालांकि इतना कहने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस पिक्चर के अगर दर्शन आप रोज करते हैं सुबह और शाम और आपने अगर उन्हें दिया दिखा दिया, बाती दिखा दिया, धुआं दिखा दिया, तो फिर कहने क्या है, तो धन का आगमन शुरू होता है और जितने भी कर्ज है वो उतर जाते हैं। देखेंगे कि आपके कर्ज कैसे आसानी से उतर रहे हैं और आप धीरे 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 कर्ज मुक्त होते हुए चले जा रहे हैं। तो अभी सबका ही जो जीवन है ना वो कर्ज पर ही है, तो वो कर्ज को उतारने के लिए भी कुछ उपाय होते हैं जो उपाय मैं आप लोगों के पास लेकर आ रही हूँ। अभी कुछ सीरीज मेरे इसी पर आएंगे ज्यादा से ज्यादा, जो कर्ज के ऊपर बेस्ट करके होगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।